भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जब देश का संविधान अंगीकृत किया गया, तब संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि एक हुकूमत संविधान को ही अपनी तानाशाही का शिकार बना लेगी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल की घोषणा की, तब उसका सबसे घातक प्रहार इस देश के संविधान ने झेला। वो संविधान जिसने देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया था, अब वो सत्ता की नजरों में समान नहीं थे। देश के संविधान में बलपूर्वक संशोधन करके धर्म निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया, जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था। ये वो मौका था जब देश का संविधान सही मायनों में खतरे में था। आज जिन बातों की कल्पना करना कठिन है, वो उस दौर में देश की सच्चाई थी। देश के विपक्ष को जेल में बंद करके सदन से संवैधानिक संशोधन पारित कराए गए। कितने नेताओं को उनकी परिजनों की अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित नहीं होने दिया गया। उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका। मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। वही इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी आज दोबारा से देश के संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह करते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके राजघराने ने देश के साथ ऐसा किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन अहंकार वही है।